हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर स्टूडेंट्स? आई होप फिट एंड इन फाइन। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी इंग्लिश रीडर का लेसन 11 जो मीराबाई है वो मैंने आपको रीडिंग करा दी थी। आई होप आपने मेरे साथ साथ रीडिंग कर ली होगी, आपको उस लेसन की हिंदी भी समझ में आ गई होगी। आज मैं आपको आपके इंग्लिश रीडर का 11 लेसन जो है हमारा मीराबाई, उसके वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज कराऊंगी। तो ध्यान से सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, जो आज हमारा आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज का, इसमें है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग हम देखते हैं बेटा। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है डिवोटी। डिवोटी मीन्स होता है भक्त, किसी के प्रति डिवोटी होना। जो मीराबाई थी वो किसके प्रति थी? लॉर्ड कृष्णा के, भगवान कृष्ण जी के प्रति वो मतलब डिवोटी थी, उनके बहुत अच्छी भक्ति। सेकंड है संत। संत मीन होता है साधु, ठीक है बेटा। डिकेड, सजाना, किसी चीज की डेकोरेटेड डेकोरेट करना या डिकेड करना, उसको हम बोलेंगे बेटा सजाना। ओके, पैलेस। पैलेस मीन होता है महल, किसी राजा का महल, पैलेस को हम बोलते हैं महल। व्रैप्ड, व्रैप्ड है लपेटा हुआ, किसी चीज से लपेटा हुआ। जैसे जब मीरा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, तो जब कमरा खोला गया तो उसकी जो साड़ी थी वो चारों तरफ किसके व्रैप्ड थी? भगवान कृष्ण जी की जो मूर्ति थी उसके चारों तरफ लिपटी हुई थी। मैजिशियन, मैजिशियन मीन्स होता है जादूगर। जादूगर का जो खेल मतलब जो जादू का खेल दिखाते हैं उसको हम मैजिशियन बोलते हैं। ओके बेटा, इसमें बट मीराबाई जो थी वो एक मैजिशियन नहीं थी। वर्शिप्ड, वर्शिप्ड होता है पूजा करना, किसी की पूजा करना। वर्शिप्ड को हम बोलते हैं किसी की पूजा करना भगवान की, ठीक है। और अब है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट है किसी के स्थान पर, मीन्स किसी व्यक्ति। इसमें इंस्टीट्यूट में मैं बचो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम इंस्टीट्यूट का यूज करते हैं। तो मैंने इसमें लिखा है बेटा इंस्टीट्यूट किसी के स्थान पर, ठीक है। आइडल, आइडल होता है बेटा मूर्ति। एक आइडल है आईडीए, वो आइडल होता है आदर्श। ये आइडल है बेटा, इसमें है मूर्ति, ठीक है। पोइटेस्ट, पोइटेस्ट मीन होता है कवियत्री, ठीक है, कवियत्री। और पोइट मीन होता है कवि। अब इसमें ई डबल एस आ गया तो पोइटेस बन गया, ये हो गया कवियत्री, ठीक है। जो मीराबाई थी वो एक पोइटेस के रूप में फेमस हुई थी, जो उसके गाने थे वो गाती थी भगवान कृष्ण जी के प्रति। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे वर्ड मीनिंग हो चुके हैं। अब मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स भर रही हूँ। तो साथ साथ जैसे जैसे मैं बुक आपको फिलअप राइट करवाती हूँ, इसमें फिल करवाती हूँ, तो आप भी बुक में साथ साथ राइट करते जाना। ओके बच्चों, तो सारे बच्चों ने आई होप बुक पहले ही ओपन कर रखी होगी। तो इसमें हमारा है फर्स्ट एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है बेटा। टिक द करेक्ट ऑप्शंस लगाएंगे, हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें एक टिक करना है। तो फर्स्ट है हमारा मीराबाई वाज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड। जो मीराबाई थी वो किसके मतलब ग्रेट मतलब महान भक्त किसकी थी, वो किस भगवान की थी? तो आपको पता होगा बेटा, पहले फर्स्ट में हमारा रामा है, कृष्णा, शिवा, तो वो किसकी थी बेटा? लॉर्ड कृष्णा की। तो हमारे जो कृष्णा है उस पर आप टिक लगा दीजिए। राव रतन सिंह वाज द प्रिंस ऑफ, जो राव रतन सिंह थे मीरा बाई के पिताजी थे, वो कहाँ के थे बताओ बेटा? बुक में आपने रीड करा होगा, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, चित्तौड़, राजस्थान या एमपी। तो वो कहाँ के थे बेटा? राजस्थान के। ओके, तो राजस्थान पर आप टिक लगा लीजिए। थर्ड वन था हमारा द डैश प्रोटेक्टेड मीरा। मीरा की रक्षा कौन करता था? इसमें हमारा है ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या लॉर्ड, कौन करता था बेटा मीरा की रक्षा? जब उसको उसके सिस्टर इन्ला और ब्रदर इन्ला ने मारने की भी कोशिश की, जहर देने की भी कोशिश की, तो उसकी रक्षा किसने की थी? लॉर्ड।
मतलब भगवान ने, इसमें हमारा लॉर्ड आएगा, लॉर्ड कृष्णा ने उसकी प्रोटेक्ट किया था। तो अब टिक द करेक्ट ऑप्शन हमारे हो चुके हैं बेटा। अब हम फिलअप भरते हैं, फिलअप राइट करते हैं। फर्स्ट फिलअप में है हमारा सी डैश टुडे एज ए संत पोइटेस। सी इज डैश टुडे एज ए संत और पोइटेस, आज किसको संत कवित्री, संत कवित्री के रूप में क्या करा जाता है बेटा, पूजा जाता है। तो हमारा इसमें क्या आएगा, वर्शिप्ड। क्या आएगा, वर्शिप्ड। किसी को मतलब पूजा जाना तो वो क्या होगा बेटा, वर्शिप्ड। तो हमारा वर्शिप्ड पर आएगा, वर्शिप्ड भर लीजिए आप। ओके बच्चों, साथ साथ राइड करते जाना जिससे आपको याद भी हो जाए अच्छे से और आपके फिलअप भी फिल हो जाए। अच्छा, सेकंड है हमारा बेटा प्लीज टेल मी डैश हर। जब राजू आता है अपनी माँ मम्मी के पास कहानी सुनने के लिए तो वो क्या कहता है, प्लीज टेल मी अबाउट हर, मुझे मीरा के बारे में बताओ। तो आपका क्या यहाँ पे आंसर आएगा बेटा, अबाउट। तो अबाउट हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ओके बच्चों, तो सारे बच्चे राइट, साथ साथ राइट करते जाना। थर्ड मंथ है हमारा सी रेन टू हार डैश। ठीक है, जो मीरा थी जब उसने बारात को अपने महल के पास से जाकर निकलते हुए देखा तो वो भागकर किसके पास गई, इसमें यही है सी रेन टू हार किसके पास गई थी बेटा, ग्रैंड फादर के पास, अपने दादाजी के पास पूछने के लिए कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने पहली बार किसी बारात को जाते हुए वहां से देखा था। तो भाई वो क्यूरियस थी, मतलब जिज्ञासु थी, तो उसने अपने जो ग्रैंडफादर के पास भाग के गई और उसने पूछा कि भाई ये सब क्या है। ठीक है, फिर उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया। फोर्थ मंथ है बेटा हमारा फोर्थ मंथ है ही टुक आउट एंड डैश ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड गेव इट टू, ही टुक आउट एंड, जो लॉर्ड कृष्णा ही टुक आउट ऑन एंड, उसको किसने मतलब ही क्या दिया था, जो वहां पर उनके जो मेहमान आए हुए थे उसकी सब बातें सुन रहे थे, तो उनको तो उन्होंने मीरा को क्या दिया था, जब मीरा ये कह रही थी कि भाई मुझे अभी शादी करनी है और अपने हस्बैंड को मतलब पाना है, तो उस वहाँ पर एक संत आए हुए थे तो उन्होंने उसको क्या दिया था, एक भगवान की लॉर्ड कृष्णा की क्या दी थी बेटा, मूर्ति, आइडल आएगा इसमें, आप इसमें फिल कर लीजिए। और ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड गेव इट टू किसको दी थी बेटा, मीरा को। ठीक है, उस टाइम मीरा ही जिद कर रही थी तो उसने उसको एक भगवान जी कृष्ण जी की मूर्ति उनको दे दी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जितनी मैंने कराई है। अब है हमारा ट्रू फॉल्स बेटा, सी पार्ट में हमारा ट्रू फॉल्स है। तो फर्स्ट जो है हमारा ट्रू फॉल्स में मीराबाई वाज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो मीराबाई थी वो भगवान कृष्ण जी के प्रति मतलब महान भक्त थी। इसमें बेटा ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो आप इसमें बेटा ट्रू राइट कर लीजिए, क्योंकि वो भगवान कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। सेकंड मंथ है हमारा बेटा राव रतन सिंह वाज ए प्रिंस ऑफ चित्तौड़, जो राव रतन सिंह था वो चित्तौड़ का प्रिंस था, राजा था, नहीं वो तो राजस्थान का था, तो इसमें फॉल्स आएगा, फॉल्स भर लीजिए बच्चों। थर्ड मंथ है हमारा किंग भोजराज वाज हर हस्बैंड, जो किंग भोजराज था तो वो किसका हस्बैंड था बताओ बेटा, मीरा का हस्बैंड था किंग भोजराज वाज हर हस्बैंड, बताओ। यस, तो इसमें हमारा क्या आएगा, जो किंग भोजराज था वो मीरा का क्या था बेटा, हस्बैंड था, जो चित्तौड़ का था, तो वो हमारा इसमें ट्रू आएगा।
सी जस्ट बिकेम वन विद लॉर्ड। फिर उसके बाद जो मीरा थी वो भगवान कृष्ण जी के पास चली गई। तो इसमें हमारा क्या आएगा बेटा, ट्रू आएगा। तो आई होप मैंने आज आपको आपकी लेसन 11 की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट करा दी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बेटा आज का आपका होमवर्क है, आपको इसको राइट भी करना है अपनी नोटबुक में फेयर में और लर्न भी करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।